सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? और दोस्तों, इस नई वीडियो के साथ मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में फॉलो बटन कैसे ऐड कर सकते हो, अपने मोबाइल में नहीं, पीसी में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जो भी आपके साथ है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप फॉलो बटन को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पीसी में आप कैसे ऐड कर सकते हो। उसके लिए प्रोसेस होती है, आपको कुछ नहीं करना, मेरे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका फॉलो बटन एक्टिवेट नहीं है तो आपके सिर्फ फ्रेंड दिखाए जाएंगे, फॉलोवर नहीं दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका फॉलो बटन एक्टिवेट हो जाता है तो आपके फॉलोवर भी दिखाए जाएंगे और फ्रेंड्स भी दिखाए जाएंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पे होता है फॉलोवर का ऑप्शन, तो आपके वहाँ पे फॉलोवर दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। मैं कर लेता हूँ, मेरी यहाँ पे एक फेक आईडी बनी हुई है, तो इस पे आपको करके दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों, अगर आप 18 साल के नहीं है तो आपका फॉलो बटन नहीं ऐड हो सकता। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप 18 साल के नीचे की उम्र में आप कैसे कर सकते हो। नीचे की उम्र तो नहीं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका फॉलो, मतलब आप 18 साल से नीचे हो लेकिन आपका फॉलो बटन होगा। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट है, तो इसमें आपको पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मेरी कितनी है वो एज इस अकाउंट में। तो देखते हैं, एडिट योर अबाउट इन्फो, कॉन्टैक्ट एंड बेसिक। यहाँ पे आप देखेंगे 2005 या 10 सितंबर, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पे आपको अपना पहले तो 18 साल पूरा करना है। अब 2020 से तो मैं सीधे 2000 कर देता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, ये रहा। और इस ऊपर वाले को आपको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड पड़े रहने देना होगा। और यहाँ पे आके आपको क्या कर देना है, ओनली मी। तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप, मतलब, फेक इंफॉर्मेशन लगाई है, फेक आपकी डीओबी लगाई है। तो सेव कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ से आपकी प्रोसेस शुरू होगी कि आपको फॉलोअर बटन कैसे ऐड करना होगा। तो मैं पहले होम पे चला जाता हूँ। आपको क्या करना होगा, अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। मैं कर देता हूँ मोर टूल्स में जाके, ये होगा डेवलपर टूल्स। यहाँ पे मैं पहले रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, ताकि ये डेवलपर ऑप्शन की तरह हो जाए। तो एक बार मैं कर देता हूँ, ये स्किप कर देता हूँ मैं। यहाँ पे पूछा है स्किप, ऐसे ही आ जाता है नेक्स्ट। ये थोड़ी एड्स आएंगी, ये इस इंटरफेस आएगा एक बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईफोन एक्स सेलेक्ट कर रखा है। तो ये देखिए, ऐसा आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि 18 साल की मैंने दे दी अपनी एज, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आना है मेनू में, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाना होगा। ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। अरे हो जा, हाँ दोस्तों, ये हो गया। तो मेरा डाटा थोड़ा स्लो था शायद। तो यहाँ पे आके आपको सेटिंग्स में जाना होगा। ये रही, ये दिखा देता हूँ एक बार, ये लोड हो रहा। डाटा स्लो कैसे चल रहा है इतना? हाँ, यहाँ पे आपको पब्लिक पोस्ट का ऑप्शन ढूंढना होगा। पब्लिक पोस्ट ये देखिए, आपको क्या करना होगा कि अगर आप को लोग आपको मानते हैं कि आप 18 साल से नीचे हो, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे 18 साल से ऊपर कर देना है और उसको प्राइवेट कर देना है। और आपकी जो बर्थडे होगा उसको आपको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड कर देना है, ताकि सबको दिख जाए, लेकिन वो प्राइवेट कर दे बर्थ ईयर। तो पब्लिक पोस्ट भी आना है वो, ये थोड़ा। हाँ, यहाँ पे देखिए, हु कैन फॉलो मी, तो यहाँ पे आपको पब्लिक कर देना है। और पब्लिक हो गया, हु कैन सी योर फॉलोवर, तो पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक पोस्ट, कमेंट, पब्लिक पेज प्रोफाइल, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, पब्लिक कर दे। लेकिन यहाँ पे एक कमेंट रैंकिंग, यहाँ आपको ऑन करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो रैंक हो जाएगा। तो मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये सेव हो गया है हमारा। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉलोवर बटन ऐड कर दिया। तो आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ मैं एक बार। इसको मैं अपने सीधे लेआउट में ले जाता हूँ।
तो दोस्तों मुझे अब आपको ये बताना है कि दिखाना है मतलब कि मेरे फॉलोवर बटन ऐड हुआ है या नहीं। तो मैं आपको मेरे प्रोफाइल पे ले चलता हूँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा फॉलोवर बटन ऐड हुआ है या नहीं। क्योंकि अब मान लो कि मुझे लोग मानते हैं कि मैं 18 साल से नीचे हूँ, लगभग लोग जानते हैं, फिर भी मैंने फॉलो बटन ऐड कर दिया क्योंकि मैंने मेरी बर्थ ईयर प्राइवेट कर दी थी। तो यहाँ पे आपको सीधे पता नहीं चल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, व्यू एज करके दिखाता हूँ। ये देखिए व्यू एज, तो हमारी प्रोफाइल दूसरों को कैसी दिखती है, रुकिए 2 मिनट, आपको पता चल जाएगी कि दूसरों को कैसी दिखती है। फॉलोवर बटन ऐड कर दिया मैंने, तो देखिए ये रहा दोस्तों, यहाँ पे फॉलोवर बटन ऐड भी है। और आप चाहते हैं कि किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ताकि लोग आपको सिर्फ फॉलो कर सके और ऐड फ्रेंड ना कर सके। वहाँ पे सेटिंग होती है, आपको इतना तो आता ही होगा, क्योंकि ये देखिए फॉलोवर बटन ऐड कर दिया है लेकिन सीधा किसी प्रोफाइल में नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने ये इन्फॉर्मेशन मेरी एकदम सही दी है, अगर आपको इसमें थोड़ी भी गड़बड़ लगे तो मुझे जरूर बताना, मैं आपके लिए एक नया वीडियो जरूर तैयार करके रखूंगा। और आपको अभी भी यकीन नहीं है, आपको लगता होगा कि ये एड फ्रेंड तो अभी तक आ रहा है, तो इसको आप अपने आप से कैंसिल करते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होता है, पब्लिक पोस्ट में नहीं होगा लेकिन आपके दूसरे ऑप्शन में होगा कि हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप ओनली मी कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉलोवर बटन, सिर्फ फॉलोवर बटन ही दिखेगा। तो एग्जिट यूएस कर देता हूँ मैं। दोस्तों आज की बस वीडियो में इतना ही, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखिए अभी तक मेरी ये डेट ऑफ बर्थ 2000 ही है लेकिन लोगों को सिर्फ 15 सितंबर ही दिखेगी। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना, जरूर 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 बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।